ओबीसी आरक्षण के फंसे हुए पेज के कारण मनपा चुनाव की तिथि आगे बढ़ गई है। ओबीसी आरक्षण को जायज ठहराने के लिए राज्य सरकार की ओर से नियुक्त समिति ने राज्य की मनपाओं से उनकी स्थापना से लेकर अब तक के पार्षदों के आंकड़े आरक्षण सहित मांगे हैं। चुनाव आयोग द्वारा जानकारी मांगे जाने की बात मनपा के आला अधिकारियों से पता चली है। मनपा में 1960 से लेकर 1992 के बीच 6 चुनाव में कोई आरक्षण नहीं था। इससे संबंधित काल के 6 चुनाव में चुनकर आए पार्षदों के नाम, पता, वार्ड, जाति, आर्थिक स्थिति की जानकारी मांगी जा रही है। इसके लिए मनपा ने 6 दस्तों का गठन किया है। गत कई दिनों से संबंधित टीम पूर्व पार्षदों के घर जाकर डाटा जुटा रही है। इस मसले पर मनपा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ओबीसी समाज के पूर्व पार्षदों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का ब्यौरा इकट्ठा कर यह डाटा पेश किया जाएगा ताकि मनपा चुनाव ओबीसी आरक्षण आधार पर हो सके। सूत्रों के अनुसार 7 अप्रैल अलग अलग टीमों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। मनपा के पास इस संदर्भ में कोई अधिकृत डाटा नहीं होने से उसे पूर्व पार्षदों के पास से जुटाया जा रहा है। करीब 300 पूर्व पार्षदों का डाटा इकट्ठा किए जाने की खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। ओबीसी आरक्षण के लिए पूर्व के मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। यह समिति ओबीसी समाज की राजनीतिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगी, लेकिन समिति ने जो जानकारियां मांगी है उससे अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।